अरे चुरा कर लेके चला गया यार, अरे लेके भाग गया हो। एवरेज सैलरी कुछ अराउंड $50 है, जो कि कुछ अराउंड 4,000 रुपए होते हैं महीने का। आई क्लीन योर शूज, यू क्लीन माई शूज? यस भाई, इसको तो मैंने बोला भी नहीं, आई डोंट वॉन्ट टू क्लीन माई शूज। भाई ये देख लो यार, इन भाई साहब को ये होगा मेरे हिसाब से यार, एक क्विंटल तो होगा मेरे हिसाब से, खींच करके जा रहे हैं। चरण 8 बज रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यार शायद 12-1 बज रहे हों। पूरा माहौल इतना सुनसान हो गया है, यहाँ के लोकल लोग भी बोल रहे हैं कि ये खुद नहीं निकलते यहाँ पे। स्वागत है गाइस आप लोगों का मेरे अगले वीडियो में। तो कैसे हो सभी लोग, तो मेरा नाम है विष्णु और आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल वेंडरिंग मैनियक। अभी फिलहाल गाइस मैं हूँ अंतनानारिवो, जो मेडागास्कर का कैपिटल है। पहली बात गाइस, ये अंतनानारिवो जो ये प्लेस है, इतना बड़ा और इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम है इस जगह का, इसको प्रोनाउंस करने में इतना मुश्किल हो जाता है मेरे को, भाई सही बता रहा हूँ। यहाँ पे मेरे को लोकल ने बताया कि अंतनानारिवो को शॉर्ट फॉर्म में ताना भी बोलते हैं, जो कि मैं भी अगेन मेरे सारे वीडियो में यूज़ करूँगा। ताना का मतलब, जब भी मैं ताना बोलूँगा समझ आना कि भाई मैं अभी फिलहाल कैपिटल के बारे में बात कर रहा हूँ। बट भाई गाइस मेडागास्कर के बारे में बता दूँ तो गाइस ये एक्चुअली लोकेटेड है ईस्ट अफ्रीका में, केनिया तंजानिया सोमालिया का जो भी कोस्ट है वहाँ से कुछ अराउंड 450 किलोमीटर दूर ये कंट्री पड़ता है। एंड इतना ज़्यादा रिमोट प्लेस में है, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न यहाँ पे आप लोगों को यार ऐसी माहौल देखने को मिलती है जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में दिखाया था। कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है, इतनी ज़्यादा डिफरेंट वाइब है जितने मैंने इसके पहले आप लोगों को कंट्रीज दिखाई है। यहाँ पे देख सकते हो भाई ताना का यार पेट्रोल स्टेशन, ऐसा यहाँ पे पेट्रोल स्टेशन होता है। यहाँ पे प्राइस दिखा देता हूँ आप लोगों, और यहाँ पे गैस ऑयल कुछ 4900 बता रहा है, जो कि अगेन कुछ $1 से ज़्यादा ही है। सुपर 95 ये एक्चुअली पेट्रोल होता है जो गाड़ियों में मतलब डलती है, वो 5900 का है। तो इसका मतलब यार कुछ अराउंड बोल सकते हो यार, थिंक यार 100-110 रुपये लीटर यहाँ पे प्राइस है तेल का, जो कि आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ के कंट्री के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा महंगा ही लग रहा है यार। भाई यहाँ पे कुछ भी बोलो, यहाँ पे आसमान देखो कितना ज़्यादा नीला है यार, इतना नीला आसमान मेरे को कहीं देखने को नहीं मिलता। मुझे आई थिंक यही खास बात है जब ऐसे ऑफ बीट प्लेसेस में आते हो आप लोग, कितना नीला आसमान है भाई साहब ये देख लो। एंड यहाँ पे भाई अगेन कुछ तो यहाँ पे बेच रहे हैं, यहाँ पे खाना वगैरह बेच रहे हैं यार, क्या बेच रहे हैं यहाँ पे? समोसा हाउ मच? ओके। एंड यहाँ पे बड़े वगैरह कुछ है, एंड यहाँ पे क्या बेच रहे हैं यार? डोनट या ओके हाउ मच? 300 अरियारी ओके। तो यहाँ पे स्ट्रीट फूड वगैरह बेच रहे हैं 300 अरियारी, मतलब कितना होगा यार? यार समझ ही नहीं आ रहा, बहुत ही सस्ता आई थिंक, हिसाब लगाना पड़ेगा यार कुछ, आई थिंक 5 रुपये या फिर 4 रुपये ऐसा कुछ आ रहा है मेरे हिसाब से। एंड क्योंकि ये कंट्री इतनी ज़्यादा आइसोलेटेड है, इसलिए यहाँ पे यार मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए भी नहीं आते, और मास टूरिज्म से भी काफ़ी ज़्यादा दूर है ये। मेडागास्कर जो है गाइस वो दुनिया का 4th लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है, ग्रीनलैंड न्यू गिनी और ब्रुनाई के बाद। एंड यहाँ की पॉपुलेशन कुछ अराउंड 28 मिलियन की टोटल पॉपुलेशन है, एंड कुछ आई थिंक ताना में जो कैपिटल है यहाँ पे कुछ अराउंड 2 मिलियन की पॉपुलेशन है। सही बताऊँ तो मेडागास्कर भले ही बहुत ही ऑफ द बीट लोकेशन हो, यहाँ पे भले ही मास टूरिज्म ज़्यादा नहीं आता हो, पर तभी मेडागास्कर दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट यूनिक डेस्टिनेशन में कंसिडर किया जाता है। एंड यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती है आप लोगों को दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलती। एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस थिंग इज यहाँ के लेमूर्स, यहाँ के अगर आप मेडागास्कर सर्च करोगे तो आपको यहाँ के लेमूर देखने को मिलेंगे, जिसके बारे में मैं धीरे धीरे आप लोगों को हमारे जो वीडियो जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको दिखाऊंगा। एंड यहाँ के बाओबाब ट्रीज ये भी काफ़ी मशहूर है, क्योंकि गाइस मेडागास्कर एक फ्रेंच कॉलोनी है, एंड फ्रेंच कॉलोनी रह चुकी है, एंड अभी भी जो कंट्री है कंट्री में जो फ्रांस का इन्फ्लुएंस है काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो इनका जो भाषा है वो मालागासी है, बट यहाँ पे फ्रेंच भी काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को लोग बोलते मिलेंगे। आई थिंक इंग्लिश से ज़्यादा यहाँ पे फ्रेंच बात करते हैं, बट इंग्लिश तो आई थिंक काफ़ी कम मैंने लोगों को देखा है। अगर बड़े शहर में अगर पढ़े लिखे लोग हैं आई थिंक, जो यंग लोग हैं वो आई थिंक इंग्लिश बोल लेते हैं, बाकी का यहाँ पे इंग्लिश काफ़ी कम बोलते हैं। और मैं काफ़ी ज़्यादा कैमरा शाई हो रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि लोग इतने वियर्ड नज़रियों से मेरे को देख रहे हैं यहाँ पे। एंड अगेन यहाँ पे बच्चे आ गए, नो सॉरी आई डोंट हैव मनी, ये आपको काफ़ी देखने को मिलेगा यार यहाँ पे, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। बट एनी वेज यहाँ से भी चलते हैं सेंटर की तरफ, सेंटर अनालिकेली ओके हाउ मच मनी? हाँ नो टेक फाइव लेट्स गो। तो यार अभी पता नहीं कितना इसका प्राइस है भाई, बार्गेन करके भाई 8000 बोल रहा है ये, 8000 मतलब कुछ $2 होता है कुछ, आई थिंक 200 रुपये कुछ ले रहा है। 8000 ओके 8000 ओके भाई ये देखा यार, अरे कितनी छोटी गाड़ी है इसकी, चलो भाई स्वागत है आप लोग का यार।
अफ्रीका में फिर से। अरे गाड़ी देखो यार, क्या गाड़ी है ये। तो गाइस अभी फिलहाल हम लोग आ गए यहाँ पे अनालिकेली मार्केट की तरफ, जो कि ये बोलते हैं वन ऑफ द मोस्ट क्राउडेड मार्केट्स में से आती है यहाँ पे, और वन ऑफ द मोस्ट फेमस मार्केट में से भी आती है यहाँ पे। बाकी अगर आप यहाँ पे लोगों के यार फेशियल स्ट्रक्चर देखोगे ना यार, तो काफ़ी अलग देखने को मिलेगा आपको जितने भी मैंने इसके पहले आप लोग को अफ्रीका में दिखाया। अरे भाई यहाँ पे नाच रहे हैं यार। अरे भाई साहब माहौल है अफ्रीका का यार, ये देख लो भाई यहाँ पे भाई साहब। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, आप लोग को यार इंडोनेशियन कैरेक्टरिस्टिक भी देखने को मिल जाएंगे, थोड़े बहुत जो साउथ एशिया के हमारे फेशियल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए काफ़ी मिक्स आप लोग को यहाँ पे लोगों के शक्ल देखने को मिलेंगे यहाँ पे, जो इनका जो कलर होता है स्किन का जो, वो भी आपको ज़्यादा डार्क भी देखने को मिलेगा, थोड़े डार्क भी मिलेंगे, थोड़े लाइट भी मिलेंगे। बट बाकी का ये सारा भाई यहाँ पे माहौल, यहाँ पे मार्केट वगैरह लगी हुई है, यहाँ पे चीज़ें बेच रहे हैं। अरे ये क्या है भाई, ये कुछ अभी ड्राई फ्रूट वगैरह शायद होगा। एंड यहाँ पे भाई ये श्रिम्प बेच रही है यार। एंड यहाँ पे थोड़े बहुत फल फूल केले और पाइनएप्पल। और ये सारा भाई यहाँ पे पूरा मार्केट का माहौल है भाई, अनाले केली मार्केट का। मैंने लिटरली मेरा फ़ोन जो है इतना टाइट पकड़ा है ना भाई कि भाई मुझे इतना। यहाँ पे क्या बेच रहे हैं, क्रैब बेच रहे हैं। हेलो क्रैब अर्डोइस आई डोंट अंडरस्टैंड फ्रेंच, सॉरी इंग्लिश। ओके आइलैंड में हूँ तो आप लोग पे यार सी फूड तो देखोगे यहाँ पे। और ये सारा भाई यहाँ पे पूरा मार्केट का माहौल है यार। आई थिंक यहाँ पे कोई यहाँ पे इंग्लिश नहीं बोलता शायद, मैं जितना समझ आ रहा है यहाँ पे। अरे ये क्या लेके खड़ी है, अच्छा यहाँ पे पैंट बेच रही है, चलो कोई ना। हेलो थैंक यू तो ये यार यहाँ पे पूरा माहौल है। अरे भाई क्या भाई क्या यार, ये इनका बढ़िया तरीका है यार पैंट बेचने का, लिटरली जितना भी पुतला है पुतले को लेके घूम रहे हैं यहाँ पे। भाई साहब माहौल है यार, काफी टाइम के बाद ऐसा माहौल में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। ओह भाई साहब काफी बढ़िया भी लग रहा है यार मेरे को। सर आपको बता दूँ गाइस, मडागास्कर जो है दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट पुअरेस्ट कंट्रीज में भी आती है। एंड अगर आप लोग दुनिया का सबसे गरीब आइलैंड कंट्री सर्च करो तो आप लोग को यार मडागास्कर का नाम देखने को मिलेगा। एंड आई थिंक यहाँ पे एवरेज सैलरी कुछ अराउंड $50 है, जो कि कुछ अराउंड 4,000 रुपये होते हैं महीने का, जो कि 4,000 रुपये महीने का यहाँ पे एवरेज सैलरी है लोगों का यार। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो यहाँ के लोगों की कंडीशन। यहाँ पे यार ये सारे मोबाइल वगैरह के मार्केट है। एंड यहाँ पे ये सारा भाई पूरा माहौल है। थैंक यू ब्रदर, हाउ मच नो इट्स ओके। कहाँ ले जा रहा है ये तो अंदर ही लेके जा रहा था मेरे को यार दुकान के, अपने अंदर नहीं जाना, मुझे प्राइस पूछना था बस। यहाँ पे मैक्सिमम लोग मलागासी बोल रहे हैं यार, फ्रेंच कोई बोल नहीं रहा। एंड इसीलिए मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मलागासी बहुत ही डिफरेंट किस्म का लैंग्वेज है जितना मैं समझ पा रहा हूँ अभी तक, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और पहला दिन है तो क्या ही समझूंगा मैं अभी। यहाँ पे यार गन्ने का जूस बेच रहे हैं। हाउ मच 200 250 ओके आई विल ट्राई वन। जब ऐसे भाई यहाँ पे जूस बना रहा है एकदम मस्त मेहनत करके, कुछ अराउंड 250 ले रहा है ये, 250 अरियारी। और 250 अरियारी का मतलब कुछ आई थिंक 5 रुपये का कुछ मेरा ये शुगर केन जूस। वेरी गुड थैंक यू। ये भाई देख रहा है यार, शर्मा भी रहा है। आई क्लीन योर शूज, यू क्लीन माई शूज। यस भाई इसको तो मैंने बोला भी नहीं, आई डोंट वॉन्ट टू क्लीन माई शूज। ओह माय गॉड यार इसको तो मैंने, ओह माय गॉड इसको तो ओके हाउ मच तो मैंने बोला भी नहीं यार, आके डाल दिया वह जूते में। ओके थैंक यू सो मच फॉर माय रन, फॉर ब्लैक, फॉर व्हाइट, फॉर ओके लुक ओके ओके दिस प्रोडक्ट 10,000 एंड दे लाइक ऑल दैट। I don't want to buy. Thank you. 8,000. I don't want. Thank you. Thank you so much. That good. 5,000. No, I don't. 10,000. अरे भाई क्या जबरदस्त किया ये. Take one for the. Sorry. I'm really sorry. I don't want. सभी लोग हंस रहे हैं यहाँ पे, सभी लोग हंस रहे हैं कि भाई ये देख लो भाई यहाँ पे बकरा बन गया मैं यहाँ पे।
ये जूते तो काफी साफ कर दिया है इन्होंने. ओके थैंक यू सो मच. आई डोंट वांट हाउ मच फॉर दिस. हाउ मच फॉर शूज क्लीनिंग. यस हाउ मच. चलो कोई नहीं यार, ये सारा चीज़ एक्सपीरियंस करने को मिल जाती है आप लोग ऐसी जगह पे आते हो आप लोग. तो जूता उसने साफ करा तो उसके तो मैंने पैसे दे दिए उसको. जितने भी लिए होंगे ज़्यादा भी लिए होंगे तो रखी क्या, कोई दिक्कत नहीं. तो यहाँ के देख लो यार, ये यहाँ की टैक्सी है एकदम लिटरली. अगर एक ग्रीन कलर की होती ना यार तो पूरी मिस्टर बीन की कार देखने को लगती. एंड ये यहाँ से भाई आगे का भाई देख सकते हो, ये टैक्सी है यहाँ के ताना की अंतानारी वो लिखा है यहाँ पे टैक्सी. तो यहाँ पे भाई हम लोग अभी कपड़ों की दुकान की तरफ आ गए यार. यहाँ पे अलग अलग किस्म के शर्ट और कपड़े बेच रहे हैं. यहाँ पे पूछ लेते हैं हाउ मच दिस प्राइस. हाउ मच दिस 20,000 350,000 रुपये के कपड़े, जो कि यार काफ़ी बढ़िया प्राइस लग रहे हैं मेरे को. जो प्राइजेस होती हैं स्ट्रीट मार्केट के कपड़ों के प्राइजेस. अरे 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 चुरा कर लेके चला गया यार ये. अरे अरे उठा कर लेके चला गया यार ये. अरे लेके भाग गया हो. वाज इट ए थीफ थीफ थीफ. पता नहीं यार क्या चल रहा है यहाँ पे. अचानक से कपड़े लेके चला गया यार एक शर्ट. शर्ट चोर निकला यार ये तो. अरे ये क्या है यार, मानसोया इंदिरा गांधी. ये देख लो यार, इंदिरा गांधी के नाम से कुछ दुकान है यहाँ पे, पता नहीं. और यहाँ पे भाई हर जगह आप लोग जब भी ट्रैवल करोगे आप लोग को यहाँ पे जो अफ्रीकन के एफ्रो म्यूज़िक है, जो एफ्रो म्यूज़िक आपको हर जगह भाई सड़कों में सुनते हुए मिलेंगे यार. ऐसे एंजॉय करते हैं यार यहाँ पे, इसलिए इतना इतना पसंद आता है मेरे को ये कॉन्टिनेंट. इतना माहौल इतना बढ़िया होता है, इतना लाइवली माहौल होता है. और जब ट्रैवल करते हो तो बिल्कुल भी बोरिंग फील नहीं होता यार. अच्छा यहाँ पे लूडो खेल, हेलो लूडो खेल रहे हैं यहाँ पे भाई साहब एकदम ग्रुप बनाकर. तो ये चीज़ें यार इतना इंटरेस्टिंग बना देती है यार पूरे कॉन्टिनेंट को. ये है जितना भी अफ्रीका है यहाँ पे. व्हाट आर दे सेलिंग. ओमिनी ओमिनी ओमिनी. व्हाट इज दिस व्हाट इज दिस. दिस चिकन. ओके ओके व्हाट इज दिस. हाँ फिश 3000. ओके 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 मर्सी. मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कोई लोकल वोकल खाना खाऊं, तो यहाँ पे दुकान में यार देख के समझ तो कुछ आ नहीं रहा यार मेरे को खाना. यहाँ का कैसे यहाँ पे डिसाइड करूँ क्या खाना है मेरे को. खाना उन्होंने दिखाया मुझे लिटरली कुछ समझ नहीं आया यार. यहाँ पे चीज़ें बेच रहे हैं, यहाँ पे समोसा वगैरह है पर समझ में कुछ नहीं आ रहा कि भाई खाएँ क्या. यहाँ पे यार उबर भी नहीं चलती, तो यहाँ पे कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका जो नॉर्मली अफ्रीका में बोल्ट काफ़ी चलता है बट यहाँ पे बोल्ट भी नहीं है, उबर भी नहीं है. तो लिटरली अभी भी यहाँ पे अगर आप लोगों को टैक्सी वगैरह लेनी है तो आपको यार वही हाथ करनी है आपको, और रोक कर फिर जो लोकल टैक्सी है उसको फिर यहाँ पे आप लोग को लेना है. तो उस हिसाब से भाई यहाँ पे सिस्टम चल रहा है. अभी तक यहाँ पे भाई ऊबर का टेक्नोलॉजी आया नहीं अभी तक. ये जो देख सकते हो ये टैक्सी है यहाँ की भाई, अभी भी यही चलती है भाई, ठीक है ना भाई. एंड ये कैपिटल है, एटलीस्ट कैपिटल में तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि यार यहाँ पे यार कम से कम आपको देखने को मिल जाए, बट यहाँ पे भी आपको देखने को नहीं मिलता है भाई. ये देख लो यार इन भाई साहब को, पता नहीं यार ये होगा मेरे हिसाब से यार एक कुंटल तो होगा मेरे हिसाब से. और ये भाई साहब खींच करके जा रहे हैं. हाउ आर यू गाइस डूइंग गुड बोंजोर. यहाँ पे थोड़े बहुत बच्चे मिल गए हमको सड़क पे चल रहे थे हम लोग. सो अभी फिलहाल वी जस्ट मेट फ्यू लोकल पीपल फ्रॉम मडागास्कर. सो यू आर मियोरी मियोरा नुमेना. तो ये मेरे को यहाँ पे फिलहाल मिले हैं थोड़े बहुत लोकल गाइस. यहाँ पे इनको हम वहीं पे सेम मॉल में लेके आए हैं. एक्चुअली इन्होंने ही लेके आया मेरे को इन्होंने लेके आया, बट यहाँ पे मैं कल भी आया था. आप लोगों ने यहाँ पे खाया था, मैं खाना आप लोगों ने देखा होगा. पर हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं हमारा इंडियन मसाला चाय. यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट था एक, तो वहाँ से हम लोगों ने चाय ऑर्डर करा है और समोसा. तो ट्राई एंड लेट मी नो हाउ इट इज़. हैव यू ट्राइड दिस बिफोर. नो नेवर. अभी से चाय chai. So this is Indian chai. It's chai. Yeah. Actually the fun thing is this is not very authentic. Like we have very different version, but here I tried yesterday. This is not bad. Like this is very similar to what we have in India. It's not really usual drinking tea with Istanbul. No, it's very common in India. It's common. Really? We have chai, we have some snacks like samosa. गाइस यार अभी हम लोग बाहर निकले हैं अभी सेंटर की तरफ. ये वही एरिया जहाँ पे मैंने आप लोगों को शाम को दोपहर को लेके आया था मैं.
एंड आप आश्चर्यचकित हो जाओगे यार, ये एक्चुअली सेंटर का एरिया है ना, यहाँ पे यार माहौल इतना अंधेरा अंधेरा सा है। अभी जितने भी लोग हमारे साथ लोकल फ्रेंड्स हैं, अभी ये लोग यही बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक्चुअली रात को निकलता नहीं है, और रात को एक्चुअली निकलना सेफ भी नहीं है यहाँ पे, और लग भी रहा है। देखिए ना, फिलहाल देख सकते हो यहाँ पे कुछ अराउंड 8 बज रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यार शायद 12-1 बज रहे हों। पूरा माहौल इतना सुनसान हो गया है, एंड यहाँ के लोकल लोग भी बोल रहे हैं कि ये खुद नहीं निकलते यहाँ पे। सो यू गाइज वर सेइंग दैट it's not really safe in the night here. Yes, not really safe. It's not safe for you guys also. For like young, being locals. Yes. Yeah. What? Do you recommend me going out alone in the night? No. I don't. Okay, so I shouldn't go out in the night. Yes. What will happen? They will kidnap me? Yes. Oh my god. We will not find you. Yes. Oh my god. कुछ serious चीज लग रहा है यार। तो ये भाई यहाँ पे रात में निकल नहीं सकते, आप ऐसा बोल रहे हैं।